और इस बीच नोएडा से बड़ी खबर, ब्राइज ग्रुप का मालिक गिरफ्तार हो गया है। तो ब्राइज ग्रुप के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेक्टर 44 से हुई है राहुल गौड़ की गिरफ्तारी। उड़ीसा पुलिस ने राहुल गौड़ को गिरफ्तार किया। उड़ीसा में दर्ज था राहुल गौड़ के खिलाफ मुकदमा। समाचार प्लस ने भी इस बिल्डर का फर्जीवाड़ा उजागर किया था। समाचार प्लस ने ब्राइज ग्रुप की एक एक पोल खोली। नोएडा में भी इस बिल्डर ने कई लोगों को लगाया था चूना, करोड़ों का चूना लगाने वाला बिल्डर अब गिरफ्तार हो गया है। प्रोजेक्ट स्टैप करने में माहिर है ब्राइज ग्रुप। और समाचार प्लस ने इस मामले को प्रमुखता के साथ दिखाया था। किस तरीके से लगातार प्रचार तो ब्राइज ग्रुप की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन वो प्रचार महज एक भ्रम था। कोई प्रोजेक्ट ब्राइज ग्रुप का नहीं चल रहा था और न जाने कितने लोगों को ब्राइज ग्रुप ने चूना भी लगा दिया है। इस खबर को समाचार प्लस ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। लेकिन आज आखिरकार ब्राइज ग्रुप का जो बिल्डर है वो गिरफ्तार हो गया। राहुल गौड़ को उड़ीसा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। समाचार प्लस नोएडा से आप देख रहे हैं। प्रोजेक्ट स्क्रैप करने में माहिर ब्राइज ग्रुप का मालिक आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल गौड़ को गिरफ्तार किया है उड़ीसा पुलिस ने। आपको बता दें उड़ीसा में कई मामले दर्ज है राहुल गौड़ के खिलाफ और आज नोएडा से गिरफ्तारी हुई है राहुल गौड़ की। उड़ीसा पुलिस ने राहुल गौड़ को गिरफ्तार कर लिया है। तो आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया है। समाचार प्लस ने भी इस बिल्डर का फर्जीवाड़ा उजागर किया था। सर मामला क्या? कोई मामला नहीं चला। सर मामला क्या? कोई मामला नहीं। सेक्टर 44 में उन्होंने रेड की है किसी राहुल नाम के व्यक्ति के यहाँ। ये ईओडब्ल्यू जो सीआईडी का विंग है वहाँ के अधिकारी आए थे और उन्होंने उसके फ्रॉड का कोई मामला था 420 467 468 भुवनेश्वर का, उसमें वो गिरफ्तारी करने आए थे। और चलिए सीधे नोएडा रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, समाचार प्लस ने भी कई फर्जीवाड़े दिखाए थे ब्राइज ग्रुप के मालिक राहुल गौड़ के, लेकिन नोएडा पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, उड़ीसा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से जो है समाचार प्रेस ने एक वर्ष पहले जो है ब्राइज ग्रुप का किस तरह से काला चिट्ठा पूरा पेश किया था जनता के सामने, किस तरह से इसने लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया था, बार बार जो है प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठ चुका था ये बिल्डर, और वही जो है प्रोजेक्ट जो है अपने स्क्रैप कर देता था। तो कहीं ना कहीं इस बिल्डर का जो है काला चिट्ठा समाचार प्रेस ने पूरा एक साल पहले दिखाया था, किस तरह से इसने नोएडा में आसपास के जनपदों में करोड़बाजी की थी, बिल्डर ने जो है फ्लैट बेचने के नाम पर करोड़ों रुपए का धन अर्जित किया था। लेकिन कहीं ना कहीं लगता था कि कहीं ना कहीं जो है पुलिस से साठगांठ थी, यहाँ के अधिकारियों से साठगांठ थी, जिसके चलते बचता रहा था। लेकिन आखिरकार उड़ीसा पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। आज सुबह ही जो है इसके घर पे नोएडा पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गई उड़ीसा पुलिस द्वारा, और वहाँ इसने फ्रॉडबाजी के जिसके तहत इस पे जो है लगातार इसके घर में दबिश थी, जो है पुलिस ने पूरी तरह से इसके घर को घेर लिया। 44 जो इसके आलीशान कोठी है वहां से इसको गिरफ्तार करके अब नोएडा पुलिस के माध्यम से जो है इसको जो उड़ीसा पुलिस है वो अब जो है इसको उड़ीसा ले जाने की तैयारी कर रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजीव ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ब्राइज ग्रुप का मालिक राहुल गौड़ गिरफ्तार हुआ है। सेक्टर 44 से की गई है गिरफ्तारी। उड़ीसा में कई मामले दर्ज है राहुल गौड़ के खिलाफ, जिसके चलते उड़ीसा पुलिस ने नोएडा से राहुल गौड़ को गिरफ्तार किया।